हमारे बच्चे आज दो दिन के हो गए हैं, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है। तो अभी मैंने इनको फीड डाली है, 0 नंबर फीड है ये मैंने इनको डाली है। अब ये देखें बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं और ज़बरदस्त उनकी जो हैचबिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त आई है। और ये हमारे जो 18 तारीख के हमने अंडे रखे थे उनमें से एक बच्चा निकला है, ये अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अभी ये देखें इसमें से बच्चा जो है ना निकल रहा है, अभी हैचिंग इसकी हो रही है। तो ये 18 तारीख के जो अंडे हैं ये हमारे सीलों के अंडे हैं, और इसके बाद जो प्योर हमारे ब्रीडर सील के अंडे हैं वो 20 तारीख के रखे हुए हैं। तो उनका रिज़ल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम जो है ना दिन ब दिन आपको वीडियो बनाकर सेंड कर रहे हैं, आपको शौक करवा रहे हैं। तो जिस मेरे किसी भाई ने भी इनक्यूबेटर बनवाना हो, बहुत ही सस्ता, मार्केट से कहीं सस्ता, आपकी सोच से भी सस्ता, हम आपको बना कर देंगे और रिज़ल्ट उसका इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो आप हैचिंग करवाएं, बच्चे निकलवाएं, आप असीलों का बिजनेस कर सकते हैं, इसके अलावा आप मिश्री गोल्डन का कर सकते हैं, RIR का कर सकते हैं, आस्ट्रोलॉग का कर सकते हैं, लाइट सुजैक्स का कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको ब्रीड अच्छी लगे आप उसका बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपने अंडों का कारोबार करना है कि आपके जो है ना अंडे सेल भी हों और आप उससे बच्चे भी निकलवाएं, तो आपको करना ये होगा कि आप RIR परचेज करें, RIR का बच्चा लें, अंडा किसी से भी ना लें। अंडे की जो हैचबिलिटी है उसका कन्फर्म नहीं होता। हाँ, अगर कोई आपके आसपास कोई बर्ड फार्म है जिसमें RIR के बच्चे आपको मिल जाएं तो वो आप लें, तो उसकी जो एग लेइंग प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कल हमने ब्रूडर बनाना है इन बच्चों के लिए, क्योंकि हमने इस मशीन में ये आर्थिक सा एक दवा सिस्टम लगाया है, तो इनका हम ब्रूडर बनाएंगे। तो उसकी वीडियो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा मैं। ब्रूडर क्या होता है ये भी मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या उसके नुकसान आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। मैं आपको ना हमेशा अच्छी चीज़ के बारे में जो है ना वो अच्छी चीज़ का मशवरा दूँगा। मेरे आप चैनल से कोई भी मुझसे आप गलत मशवरा नहीं सुनेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो टोटली हम जो आपको मशवरा देंगे वो आपके फ़ायदे के लिए होगा, और इंशाल्लाह उससे आपको ज़रूर बज़रूर फ़ायदा होगा। ये देखिए ये हमारे बच्चे जो है माशाल्लाह फीडिंग कर रहे हैं, ये मैंने इनको फीड डाली है, ये खा रहे हैं, और जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे मैं इनका रिज़ल्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करता जाऊँगा। दोस्तों इनको वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन के बगैर जो है इनमें बीमारियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। वैसे तो इनकी अपनी भी होती है इम्यूनिटी इतनी कि ये अपने आप को बीमारियों से महफूज रख सकें, लेकिन कुदरत तो कुदरत है ना, बीमारियां तो आ जाती हैं। बाज़ दफ़ा वैक्सीनेशन वाले बर्ड में भी बीमारियां आ जाती हैं, लेकिन जिनको वैक्सीन हुई होती है उनमें बीमारियों के चांस बहुत ही कम होते हैं, ना होने के बराबर। तो आप अपने बर्ड को प्रॉपर वैक्सीन करें। ये मेरा बच्चा जो है ये थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, हमें नहीं पता था, हम जैसे ही आए हैं बाहर से तो ये निकला हुआ था। पहले 5 बच्चे थे तो मैं चौंक गया, मैंने कहा 6 कैसे हो गए। तो ये जो कपड़ा पड़ा है इसके साथ है, ये चिमट गया था, ये ऊपर से इधर से निकला, इधर हमने ये बच्चे इधर रखे हुए थे इस जगह पर, तो ये कपड़ा भी ऊपर इधर ही था तो ये उसके साथ चिपक गया था। ये आप देख रहे होंगे इसके ना एक तरफ से थोड़े से ना ज़बरदस्त किस्म के मशवरे देंगे बिज़नेस के हवाले से। तो आपको कोई सवाल हो या आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो हमें कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जवाब देंगे और आपको हर एक चीज़ के बारे में हम आगाही फराहम करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।